कैसे हैं बच्चों। बीएससी थर्ड ईयर के लिए हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए एमजेपी आयु प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कैसे निकालें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, तो देखो बच्चों हम बताएं आपके लिए, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है के बराबर, यहाँ हेडिंग है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, आयु काल, अर्धायु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल किस तरीके से हम बात करें, किस तरीके से ज्ञात करें, तो देखो हम जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स ये होता है। अब टी बराबर अर्धायु काल के लिए टी हाफ, कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा में से आधी मात्रा विघटित होने में जो समय लेता है वह उसका अर्धायु काल कहलाता है। अगर आपके पास 5 किलो कोई आपने सब्सटेंस ले लिया, कोई पदार्थ ले लिया, उसमें से आधा जो विघटित होने में जो समय लेगा वही उसका अर्धायु काल होगा। तो हमने क्या लिखा ये, तो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तब लिखेंगे, तब समीकरण फर्स्ट से, तब क्या आ जाए, के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन ए बाई टू, ये हमारे पास है। बहुत जल्दी से नोट करते जाइएगा अगर आप तुरंत नोट करें तो, और इसके बाद हमारे पास आएगा 2.303 टी हाफ लॉग ए अपॉन ए बाई टू, ये कट गया, तो के बराबर 2.303 और टी हाफ, और ये हमारा हो गया लॉग टू। और इसके लिए अगर हम और सिंपलीफाई करेंगे तो टी हाफ 0.3010, तो के बराबर आ गया 0.693 और अपॉन टी हाफ, ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल आ गया। तो अर्धायु काल क्या कहलाता है, अर्धायु काल वह कहलाता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा में से आधी मात्रा विघटित होने में, आधी मात्रा विघटित होने में जो समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। तो ये आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा।